भी लोगों के जो रोह का निशाना है वह सरकार बन दिया रही भावें बादल सरकार आ कैप्टन सरकार आ मोदी सरकार आ कांग्रेस सरकार है पर यह सरकार कि इशारे कर रही हैं जोड़ा साम्राज्य अटैक आ जोड़े पिछों उन्होंने दस दिया है भी थोड़ी खेती योजी हो अंबानी अडानी के जोड़े साइलो है वह निशाने पर आया रिलायंस स्टोर आए ने पेट्रोल पंप आए ने यह मतलब लोगों की चेतना से एक बहुत वड्डा वाधा है इस गल आजादी कहें भी औरतों मॉडलों वजों पेश करके अपनी चीज़ों दीमत वधाते हैं उन्होंने पैमाने सैट किए उन्होंने अरबों खरबों डालर की मंडी है उन्होंने सत श्री अकाल जी तुसी देख रहे हो जिंदाबाद चैनल तो अज असी गल करांगे औरत दिवस ते सिर्फ औरतों के नाल ही साड़ी गल है असी उन्होंने नाल गल करते हैं इस किसानी अंदोलन के पहुंचिया हुई हैं तो उन्होंने तो जानते हैं कि की लग रहा उन्होंने इस अंदोलन को देख के जिहड़ा अज उन्हां दा दिहाड़ा है अंतरराष्ट्रीय औरत दिवस उस ते उन्होंने की विचार है की फर्क पिया पहला नालों अज जिहड़ी औरत दी जिहड़ी शक्तिकरण दा औरत दा जिहड़ा योगदान है उहदा समाज दे विच भैन जी स्वागत है तुहाडा जिंदाबाद धन्यवाद जी बहुत बहुत भैने अज तुसी आए हो औरत दिवस है की फर्क लग रहा पहला नालों जिहड़ा अज संघर्ष दे विच वैसे तो जदों का किसानी संघर्ष चलिया औरतों का लगातार ही योगदान रहा पर अज बड़ी वड्डी गिणती दे विच आई हैं की ये बदलाव है देखो जिहड़ा 8 मार्च का कौमांतरी दिन है वह साडे देश च लगभग हर साल ही किसी ना किसी पद्धर ते मनाया जाता है पर अक्सर जिहड़ा ये मनाउणा हुंदा बहुत रस्मी हुंदा अज का जिहड़ा ये इकट्ठ है ये इकट्ठ ये जिहड़ा सैलीब्रेशन है वह इस पछाण चो सैलीब्रेशन है भी जे लोगों ने अपने मसले हल करवाने ने जे लोगों ने अपने संघर्ष चलाने ने तो जिहड़ा आबादी का यह अद्ध है इन्हां दी प्रॉब्लमां दी गल किते बिना यह संघर्ष अगे चल नहीं सकते जिवें औरतां साडे समाज वैतकरे दी शिकार है उस वैतकरे बारे चर्चा छेड़े बिना उन्हों हल करन वास्ते तुरे बिना यह गल हो नहीं सकती भी ये लोक लहरां जित जाण इस संघर्ष अगे वध जाण इहदे इस पछाण चों इकट्ठ होया ते इस करके जिन्नी वड्डी है गैदरिंग है जिन्नी वड्डी औरतां दी शमूलियत है स्टेज औरतां चला रही हैं बुलारा औरतां ने वलंटियर औरतां ने प्रेस नूं औरतां अटेंड कर रही ने यह सारिया गल्लां औरतां इहदे चों इक अहसास कर रही हैं भी इस जथेबंदी च इस संघर्ष साडा रोल हैगा साडी पुगत हैगी है उन्होंने ये एहसास बन रहा है भी साडा काम है जिहड़ा कल्ला घरां च नहीं पोचे लाउणे साडा काम सोसायटी च बाहर आके उन्हों सोसायटी नूं लुशकाउणा भी साडा काम है इस अहसास चों औरतां अज जुड़ियां हुई हैं इस अहसास चों संघर्ष का होर वाधा अंग बन रहा है। अच्छा एक तुसीं कहा कि जिहड़ा हर साल ही मनाया जाता है बिल्कुल हर साल मनाया जाता है तो बुलारे बेशक वो मर्द ही हुण कसीदे पढ़े जाते औरतों के प्रशंसा दे विच पर औरतों हाले तक वह जिहड़ा दर्जा वो देने से सफर रहे हैं पर अज का जिहड़ा औरतों वल्लों जिहड़ा किसानी दे जिहड़ी स्टेज ते मनाया जा रहा है इहदे च कुछ वक्खरा है तुसीं गल कीती कि बुलारे भी औरतां हैं जिहड़ियां वलंटियर भी औरतां हैं ये जिहड़ा पिछली बार मनाया जाना तो इस मनाए जाने दे विच किन्ना क अंतर देखो वीरे पहली गल तो यह है भी ये इस गल का बुनियादी अंतर है जो कोई औरत दिवस मना औरत के हकों की गल करता तो अपने एक धारा यह चलती है भी औरत ने अपने हक की तो हासिल करने हैं जेडे इतों के मर्द मैंबर सोसायटी के मेल है उन्होंने औरतों के दुश्मन वजों खड़ा दिता जाता है भी ये थोनू दबाने के जिम्मेवार है इन्हों तो हक हासिल करने हैं तो उन्होंने खिलाफ मतलब उन्होंने उन्होंने लामबंदी कर यह जो कोशिशें होंदिया ने जेड़े यह औरत दिहाड़े जिमें आए मनाए भी जाते हैं वो भी औरतों ने की हासिल की करना ये उन्होंने निशाने की क्लीयर नहीं होंगे इस औरत दिहाड़े का फर्क यह है भी औरतों की आजादी कहदे वास्ते किसी की भी आजादी कहदे वास्ते अपन आजादी चाहिए है हरेक मनुख को आजादी चाहिए है भी वो इस जो दुनिया जो कुछ है माण सके जो कुछ उदे तो खोया गया वो हासिल कर सके तरक्की कर सके वो बच्चे तरक्की कर सकन ये लोगों तो मौके खुसे हुए हैं तो सब तो वध के औरतों तो खुसे हुए हैं तो हासिल करने का तरीका संघर्ष ही है लोगों ने संघर्ष है तो ये आजादी इन्हों संघर्षों का अंग बन की इस संघर्षों जुड़ के जो सदियों तो दबाए आने की जी रवायत चली उन्होंने बदल की आजादी है ता कि मर्द तो औरत रल के जो उन्होंने खोया गया वो वापस हासिल कर सकन जिवें हुण खेती कानूनों का मामला है उन्होंने खेतों के झपट है यह बहुत वड्डी सब तो वध के यह औरतों का मसला है
क्योंकि खेती संकट भी सब तो वध के औरतों वास्ते है। पिंडां च घरां च मर्दां दे तुर जाण तो पिछों खुदकुशियां तो बाद सब तो वध दुश्वारियां जिहड़ियां औरतां हंडाउंदियां, कबीलदारियां दे बोझ, बच्चों नूं पालण पोषण दे बोझ उन्हां दे पैंदे है। ये खेती संकट सब तो वध के औरतों का संकट है, तो इहदा हल भी सब तो वध के औरतों नूं चाहीदा है। तो उन्होंने इस संघर्ष नाल जोड़ना, उन्होंने लैके आना, तो सच्ची संघर्षों की वागडोर उन्होंने हाथ च फड़ाउणी, ये गल महत्वपूर्ण है। तुसी औरतों इत्थे औरतां आउंदियां, बहुत वारी आई भी वापरदा भी औरतां आउंदियां ते लंगर ला के मुड़ जांदियां, पर मतलब पिछले समय च रवायतां चलियां, ये रुझान चलिया है भी औरतों ने भी आना हुंदा है, उन्होंने भी बुलारे बनना हुंदा, उन्होंने भी मीटिंगां च हिस्सा लैना हुंदा, सोचना समझना हुंदा। तो इत्थे रवायतां चलियां भी जिहड़े मर्द मैंबर है वह भी बराबर ते बह के लंगर तैयार करदे है, ये पॉजिटिव गल्लां ने। ये सच्ची औरतों को एहसास करवाउंदी है भी हाँ साडी गल नूं समझा जा रहा है, सानू उहना जूले चों कढ के सानू एक सच्ची सोचण समझण वाले व्यक्ति वजों सानू सन्मान दिता जा रहा है। अच्छा, जिवें अंदोलन ने आम जिहड़ा बंदा सी पहलां जिहड़ियां जथेबंदियां ते गल करदियां हुंदियां सी कि कारपोरेट आउणगे, वह जमीना लैणगे, वह तुहाडे तों रोजी रोटी खाउणगे, पर इस अंदोलन ने जेकर असीं कहीए कि एक अनपढ़ बंदिआं नूं भी जिन्हां नूं कारपोरेट बारे पता नहीं सी पर इदों हुण पता लग गया, पिंडां दीआं साडीआं औरतां जिहड़ियां घरां च रहिंदियां सी वह भी अज्ज कहिंदियां कि अंबानी अडानी सानूं लुट के खा जाणगे, तां की इह अंदोलन दी भी एक वड्डी प्राप्ति है कि जिहड़ा हर एक वर्ग नूं जागरूक कर रहे ने। होर प्राप्तियां दे नाल नाल बिना शक यह अंदोलन की वड्डी प्राप्ति है। हुण तक इउं हुंदा आया सी भी लोकां दे जिहड़े रोह दा निशान है वह सरकारां बणदियां रहियां सी, भावें बादल सरकार आ, कैप्टन सरकार आ, मोदी सरकार आ, कांग्रेस सरकार है, पर यह सरकारां किहदे इशारिआं ते कर रहियां हैं? जिहड़ा साम्राज्य अटैक आ जिहड़े पिछों उन्हां नूं दसदे आ भी थोड़ी खेती इहो जी होवे, थोड़े सरकारी अदारे आउण बंद होण, तुसीं आपणे जिहड़े खजाने आ मुल्क दे ओह लोकां दे नहीं, ओह सानूं छूटां देण ते खर्चो, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੜਾ ਘਰਾਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਸ਼ੇਰੀ।